हाय गाइज, आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हिकविजन का, जो 4MP का IP कैमरा आता है बुलेट। इसका मॉडल नंबर है DS2CD1047GOL। ये 4mm का लेंस के साथ आने वाला एक बुलेट कैमरा है, जो कि नेटवर्क कैमरा है विथ कलर वाला। ये नाइट में भी आपको कलर दिखाता है, और ये एक्चुअल कलर वाला कैमरा है। जो आजकल जो हाइब्रिड लाइट वाले आ रहे हैं उसकी तरह नहीं है। इसकी क्लैरिटी हाइब्रिड लाइट से 100 times बेटर आता है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, और ये पूरा मेटल बॉडी का कैमरा होता है। और इस कैमरे की क्वालिटी किस तरीके से है और इसको किस तरीके से हम लोग मोबाइल के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये कैमरे का स्टैंड काफ़ी हैवी मेटल बॉडी का आता है पूरा ही कैमरा। तो चलिए इस कैमरे को हम लोग मोबाइल पर ओपन करते हैं और किस तरीके से इसको एक्टिवेट करते हैं वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम कनेक्ट एक में जाएंगे, वहाँ पर जाके प्लस के इसमें क्लिक करके ऑनलाइन डिवाइसेस में यहाँ पे इसकी IP सर्च करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसकी IP आ रही है, जो डिफ़ॉल्ट IP आ रही है 1.64। तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहाँ से एक्टिवेट नहीं करेंगे, हम क्रोम में जाके एक्टिवेट करेंगे। क्रोम में जाके आप लोगों को IP डालिए 192.168.1.64। ये हिकविजन के कैमरे DVR-O की डिफ़ॉल्ट IP आती है। फिर आपको यहाँ पे यूज़र नेम के साथ यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो भी आपको अपने कैमरे का पासवर्ड डालना है। आजकल जैसे आप पहले admin123 वगैरह डालते थे, वो पासवर्ड नहीं लेता है। अब आपको 1122 या उल्टा 321 ये सब पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे इसको नेक्स्ट कर दोगे, ये कैमरा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद अगर आपको इसके IP चेंज करनी है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद जितने भी फीचर्स है सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। हम लोग नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क के यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा IP चेंज करने का। मैं इस कैमरे की IP 1.47 कर रहा हूँ, 192.168.1.47। आप जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने इसको IP बदल दिया है, और इसको एक बार अप्लाई कर दिया। अप्लाई और सेव करने के बाद ये एक बार कैमरा आपका रिबूट होगा, फिर इसकी IP चेंज हो जाएगी। तो चलिए फिर से हम इस कैमरे को एक बार हिकनेक्ट ऐप पे ओपन करते हैं। तो वैसे के वैसे हम लोग हिकनेक्ट ऐप पे गए, प्लस पे जाके ऑनलाइन डिवाइस पे जाना है। यहाँ पे जाके आप देख पाओगे उस कैमरे का मॉडल नंबर और इसका जो IP एड्रेस है आ जाएगा। आपको ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने एडमिन यूज़र नेम डाल दिया और पासवर्ड भी डाल दिया, जो मैंने कैमरे का पासवर्ड बनाया था। तो जैसे ये दोनों चीज़ फिल हो जाए, फिर आपको ओके कर देना है। ये कैमरा आप देख पा रहे होंगे चल गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा है। इसमें डिटेल्स वगैरह भी आपको अच्छा दिख जाएगा, और इसका नाइट विजन भी बहुत परफेक्ट आता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने कैमरे को HD में चालू कर दिया है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा है। अगर आप लोग IP और बाहर आउटडोर में लगाना चाहते हो, क्लैरिटी चाहिए, तो मैं इसको फुल्ली रिकमेंडेड करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग और भी ऐसे वीडियोज़ देख पाओ। थैंक यू।